सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीएनजी और पेट्रोल से चलने वाले वाहनों को दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग अखिल भारतीय पर्यटक परमिट के साथ कैब के तौर पर पंजीकृत कर सकता है। ऐसे परमिट वाले वाहन दिल्ली एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चल सकते हैं। जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस दीपक गुप्ता ने 10 मई 2016 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को स्पष्ट किया। इस आदेश में कहा गया कि स्थिति के चलते परिवहन विभाग सीएनजी या पेट्रोल से चलने वाले वाहनों को कैब के तौर पर पंजीकृत नहीं कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सीएनजी या पेट्रोल वाहनों के बजाय डीजल से चलने वाले वाहनों को दिल्ली एनसीआर में कैब के रूप में ताज़ा पंजीयन नहीं दिया जाएगा। कोर्ट ने अपने पूर्व के आदेश को स्पष्ट करते हुए कहा कि डीजल से चलने वाले वाहनों के कैब के तौर पर पंजीयन या पहले से कैब के तौर पर चल रहे डीजल वाहनों के पंजीयन के नवीनीकरण के संदर्भ में उसका आदेश अब भी सही है। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक कीजिए, और अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब कीजिए। प्रतीक शर्मा, पंजाब केसरी।